नमस्कार, मैं कैलाश पंडित एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज मैं फिर बात करूँगा सूरदास जी के सूर सागर से उद्धृत भ्रमर गीत प्रसंग के एक पद की व्याख्या से संबंधित। इसके पहले मैंने आपके पाठ पुस्तक के 8 पदों की व्याख्या प्रस्तुत की है। आज यह पद 9वां पद एवं अंतिम पद है। इस पद की व्याख्या करने के साथ साथ हम लोग इसके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, साहित्यिक टिप्पणियाँ, कठिन शब्दों के शब्दार्थ आदि पर भी बातें करेंगे। पहले के पदों में हम लोग सूरदास जी के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ प्राप्त कर चुके हैं। सूरदास जी के द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रसंग के बारे में भी संक्षिप्त जानकारियां हम लोगों ने ग्रहण की है। आज इस पद की व्याख्या शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बातें करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। सूरदास जी के भ्रमर गीत के पहला पद से लेकर अब तक आज 8 पदों की व्याख्या हो चुकी है। आज अंतिम पद आपके पाठ पुस्तक से लेकर आया हूँ। हम लोगों ने अच्छा खासा चर्चा कर लिया है सूरदास जी के बारे में एवं उनके भ्रमर गीत प्रसंग के बारे में। अभी तक सभी पदों में श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज जाने के पहले अपनी मनोदशा के दारुण स्थिति से एवं गोपियों के वियोग के कारण उत्पन्न मार्मिक दशा से उद्धव को अवगत करा रहे हैं। उद्धव जी द्वारा मिला जुला उत्तर पा रहे श्री कृष्ण एक बार फिर अपनी माता यशोदा को ढांढस बंधवाना चाह रहे हैं एवं पिता नंद बाबा से प्यार भरी खीझ से शिकायत करना चाह रहे हैं। उद्धव भक्ति को समझने में असमर्थ हैं। वे ज्ञान एवं योग के बंधन में दृढ़ता पूर्वक जकड़े हैं, पर श्री कृष्ण से मित्रता की और उनकी आज्ञा की बात है। श्री कृष्ण के आदेश को उद्धव जी कैसे ठुकरा सकते? अंत में उद्धव ब्रज जाते हैं और गोपियों के उलाहना के समय भ्रमर के उपस्थित होने के कारण यह भ्रमर गीत प्रसंग बनता है। अब यह पद भी इसी भ्रमर गीत के प्रसंग की एक कड़ी को आगे बढ़ाती है। अब हम पद को सस्वर वाचन करते हैं। पद इस प्रकार है। पद
में है। नीक के रहियो जसुमति मैया, आवहिंगे दिन चारि पाँच में हम हल धर दो भैया। जा दिन ते हम तुम ते बिछुरें, काहु न कहियो कन्हैया। कबहु प्रात नह कियो कलेबा, सांझ न पीनी पैया। बंसी बेनु सम्हारी राखियो, और अबेर सवेरो मति ले जाई चुराई राधिका, कछुक खिलौना मेरो। कहियो जाई नंद बाबा सो, निपट निठुर जिय किन हो। सूरदास पहुँचाई मधुपुरी, बहुरी न संदेशो लीन हो। अब इस पद में आए कठिन शब्दों के शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं। यह पद ब्रजभाषा में रचित है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले नीके, नीके आनंद पूर्वक, खुशी से, कष्ट रहित। हलधर, हलधर यहाँ बलराम जी को कहा गया है। बलराम जी को हलधर भी क्या कहा जाता है, हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम, और बलराम श्री कृष्ण के भाई हैं। अब है घैया। घैया का अर्थ होता है थन से छूटती दूध की धारा। जब गाय को दूहा जाता है, दूध निकाला जाता है, तो उसी समय जो धार निकलती है गाय के थन से, उस धार को घैया कहा जाता है। वंशी बेनु बांसुरी, अवेर सवेरो समय असमय, मति लय नहीं लेना, थुर निर्दय कठोर निष्ठुर जिय हृदय दिल। मधुपुरी मथुरा, बहुरी दुबारा, संदेशो संदेश समाचार। अब इस पद के संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। यह पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में भी संकलित है। अब इस पद का प्रसंग क्या है, तो प्रसंग हम देखते हैं कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण ने मुख्यतः अपनी माता के प्रति संदेश प्रेषित किया है और पिता के निष्ठुरता कठोरता का भी मार्मिक संकेत किया है। श्री कृष्ण अपनी माता को संतावना प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव जी के माध्यम से, और पिता नंद बाबा जी के द्वारा श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम को मथुरा में छोड़ जाने के उपरांत समाचार और सुधि ना लेने के कारण श्री कृष्ण खीझे हुए हैं। पर इस खीझ में भी प्यार है और इसका संकेत उद्धव जी के माध्यम से नंद बाबा से करना चाहते हैं।
अब इस पद की व्याख्या हम लोग देखते हैं। पद है नीके रहियों जसुमति मैया। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी आप जब ब्रज जाएंगे, हम दोनों भाई के संदेश लेकर यहाँ के सुख समाचार लेकर, तो माता यशोदा को कहिएगा कि हे माता, हे माई, आप आनंद पूर्वक रहिए। आप अपने मन में किसी प्रकार के कष्ट को और दुख को समाहित होने मत दीजिए। आप अपने चित्त को, मन को शांति पूर्वक रखते हुए अपने दैनिक कार्यों में लीन हो जाइए। आगे है, आवहिंगे दिन चारि पांच में हम हल धर दो भैया। और उनको बताइएगा कि आनंद पूर्वक रहिए और सुख शांति से रहिए। इसका कारण यह है कि हम लोग 4-5 दिनों के अंदर मथुरा से ब्रज आ जाएंगे। अब माता यशोदा को किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। वियोग की घड़ी खत्म हो गई है, क्योंकि अब मथुरा से हम लोगों को ब्रज आने में कोई ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। हम 4-5 दिनों के अंदर ब्रज आ जाएंगे। अभी तक जो माता यशोदा ने वियोग में, अपने पुत्र के वियोग में चिंता में दिन काटे हैं, वो खत्म हो गए। आज से उन्हें आनंद पूर्वक और धैर्य पूर्वक रहने की आवश्यकता है। हम और बलराम हलधर दोनों भाई शीघ्र ही ब्रज आएंगे। जा दिन ते हम तुम ते बिछुरे। ते मतलब यहाँ से होता है, बिछुरे काहू न कहियो कन्हैया। बोले जिस दिन से, हे माता, हम लोग आपसे बिछुड़े हैं, आपसे विदा लिए हैं, आपको छोड़कर मथुरा आए हैं, उस दिन से यहाँ किसी ने हमें, मुझे कन्हैया कहा है। यहाँ कन्हैया शब्द का उच्चारण किसी के मुख से नहीं सुन पा रहा हूँ। जब आप मुझे और बाबा नंद मुझे कन्हैया कहते थे, तो उसमें कितना प्रेम और कितना वात्सल्य होता था। कन्हैया शब्द सुनने के लिए मैं यहाँ तरस गया हूँ। और यहाँ कोई कन्हैया मुझे क्यों कहेगा? मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का भगवान श्री कृष्ण हूँ। सभी मुझे विशिष्ट समझते हैं। तो कन्हैया शब्द का उच्चारण कैसे होगा? आगे कहते हैं कि जो दुख आपने वियोग में झेले हैं, जो पीड़ा आपने अपने पुत्र के वियोग में पाई हैं,
हे माता, मैं भी आपसे बिछुड़कर उतना ही पीड़ित हूँ, उतना ही दुख मेरे मन में भी है। इसका वर्णन आगे की पंक्तियों में सूरदास जी ने कृष्ण जी के द्वारा करवाया है। आगे का पंक्ति कहता है, कबहूँ प्रात न कियो कलेवा, सांझ न पीन्ही घैया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उद्धव जी, माता जी को बताइएगा, माता जी को कहिएगा, माई यशोदा को कहिएगा कि हे माता, जिस दिन से आपसे हम दोनों भाई बिछुड़े हैं, कभी भी सुबह सुबह कलेवा, जलपान, नाश्ता, सुबह का भोजन नहीं किया है। यहाँ राजकाज में व्यस्तता है, अर्थात जो आपके द्वारा प्रेम पूर्वक सुबह का नाश्ता दिया जाता था, उस वातावरण का यहाँ बिल्कुल अभाव है। यहाँ सुबह सुबह आपके हाथों का बना कलेवा, बना नाश्ता नहीं मिलता है। सांझ न पीनी पैया, सांझ न पीनी घैया। बोले शाम को जिस प्रकार से ब्रज में गाय को दूहते समय, गाय से दूध निकालते समय उसके थन से दूध की धार अपने मुख में लेता था, उस प्रकार की घड़ी यहाँ कहाँ माता। शाम में कभी उस प्रकार की सुख प्रदायिनी अवस्था उत्पन्न नहीं हुई है। कभी भी गाय के थन से सीधा सीधा अपने मुख में दूध नहीं लिया, वह अर्थात वह गर्म दूध जो तुरंत गाय से निकाला गया हो उसका सेवन नहीं कर पाया हूँ। अथा यहाँ हम लोग व्यथित हैं, हम लोग की स्थिति दारुण है। वंश बेनु संहारी राखियो और अवेर सवेरो। बोल रहे, हे माता, मेरे खिलौनों को, मेरे बांसुरी वेणु को आप संभाल कर रखिएगा। मुझे उस बांसुरी से अभी तक बहुत लगाव है। आप उसको समय असमय देख रेख करते रहिएगा, उसको संभाल के रखिएगा। हम जब ब्रज पुनः आएंगे तो उस बांसुरी से खेलेंगे, उस बांसुरी से आनंदित होंगे, आनंद ग्रहण करेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का बाल्यपन का प्रेम प्रदर्शित हो रहा है। जिस प्रकार से बाल्यपन में श्री कृष्ण बांसुरी से खेला करते थे, बांसुरी बजाया करते थे और गोपियों को रिझाया करते थे, उस अवस्था को याद कर श्री कृष्ण माता से अपने बांसुरी की रक्षा करने की गुहार लगाते हैं। इसका कारण और है, क्योंकि राधिका भी इनके बांसुरी से उतना ही प्यार करती थी, उतना ही प्रेम करती थी जितना श्री कृष्ण करते थे। तो कहीं ना कहीं इनको डर है कि राधिका उनके बांसुरी को इनके ना रहने के स्थिति में चुरा ना ले। आगे कहते हैं, मति लय जाई चुराई राधिका कछुक खिलौना मेरो। लहे माता,
आप मेरे खिलौनों का ध्यान रखिएगा, मेरे खिलौनों को संभाल कर रखिएगा। ऐसा ना हो कि राधिका जो मेरे खिलौनों से उतना ही प्रेम करती है चुरा ना ले जाए। फिर मैं ब्रज आऊँगा तो उस खिलौनों से कैसे खेलूँगा। तो आप कृपा करके उसकी रक्षा करेंगे। हे उद्धव जी, माता यशोदा को आप बताइएगा कि श्री कृष्ण का यही विचार है। आगे कहते हैं, कहियो जाय नंद बाबा सो, निपट निठुर जिय किन्हो। अब बात श्री कृष्ण जी अपने पिता नंद जी के ऊपर अग्रसर करते हैं। कहते हैं कि उद्धव जी, आप मेरे नंद बाबा से भी कहिएगा कि श्री कृष्ण आपसे भी नाराज हैं, आपसे भी खिजे हुए हैं। आखिर क्या बात है जो नंद बाबा एक बार ब्रज से मथुरा भेजने के बाद पुनः हम लोगों की एक भी संदेश एक बार भी सुधि न ली, एक बार भी हम लोगों का समाचार प्राप्त नहीं किया। आखिर क्या स्थिति है? हम लोग उनके लिए अब वात्सल्य का उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते हैं। आप नंद बाबा से भी कहिएगा, कहियो जाय नंद बाबा सो, नंद बाबा से कहिएगा कि आप बिल्कुल निष्ठुर हो गए हैं, आप बहुत निष्ठुर हो गए हैं। आपने अपने दिल को, आत्मा को कठोर किया है, कठोर कर लिया है, और इसका कारण है सूरदास पहुँचाई मधुपुरी बहुरिना संदेशो लीन हो। सूरदास जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, श्री कृष्ण जी के नंद बाबा के प्रति खीज भरी शिकायत है कि आपने दोबारा हम लोगों की सुधि ना ली, हम लोगों का संदेश ना लिया, हम लोगों के बारे में एक छोटा सा समाचार भी नहीं प्राप्त करने की कोशिश की। तो आप बिल्कुल निष्ठुर दिल का कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल कठोर दिल का कैसे हो सकते हैं, निर्दयी कैसे हो सकते हैं? आप नंद बाबा से भी कहिएगा, आखिर हम दोनों भाइयों से क्या गलती हुई है? श्री कृष्ण जी के दिल में कहीं ना कहीं नंद बाबा के प्रति प्रेम का अपार सागर उमड़ रहा है, और नंद बाबा भी श्री कृष्ण से उतना ही प्रेम करते हैं। अब हम बात करते हैं साहित्यिक सौंदर्य की। एक में है बाल स्मृतियों से जुड़े हैं श्री कृष्ण, यहाँ अतः बाल लीला का मार्मिक चित्रण हुआ है। जहाँ श्री कृष्ण खिलौना की बात करते हैं, वहाँ पर उनके अंदर बाल स्मृतियाँ उमड़ने लगती है। तो यहाँ बाल लीला का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत होता है। दूसरा है पंक्ति, मति ले जाई खिलौना मेरो। इस पंक्ति में माधुर्य भाव की झलक है। श्री कृष्ण राधा जी को अपना खिलौना चुराने का एक जरिया मान बैठते हैं। तो दोनों में मधुरता है, माधुर्य प्रेम है।
तो अपना खिलौना बिल्कुल श्री कृष्ण देना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ माधुर्य भाव की झलक दिखती है। आगे है बंसी बेनु में युग्मक प्रयोग है। बंसी बेनु दोनों वंशी बांसुरी का ही परिचायक है, बांसुरी का ही अर्थ है, अतः यहाँ युग्मक का प्रयोग है। कई लोग इसे पुनर्युक्ति दोष मानते हैं, पर सूरदास जी के द्वारा युग्मक का अच्छा प्रयोग किया गया है। आगे है पंक्ति काहू न कहियो कन्हैया में वात्सल्य भावना का सहज व्यंजना है। यहाँ श्री कृष्ण वात्सल्य भाव को ग्रहण करते हैं और वात्सल्य प्रेम में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। आगे है ब्रजभाषा है, सारंग राग है इस पद में, एवं अवेर सवेर मुहावरा का भी प्रयोग उत्कृष्ट है। धन्यवाद।